हेलो गाइस, वेलकम टू एमके अथॉरिटी। तो भाई इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नोकिया का वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो भाई इंडिया बहुत ही दिनों से वेट कर रहा है। तो भाई नोकिया एक फाइनली लॉन्च हो गया इंडिया में। तो भाई नोकिया एक लॉन्च हुआ है 37,000 के प्राइस टैग पर और आपको इसका मिल रहा है 4GB रैम 64GB वर्जन में। तो ये बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस और लास्ट में मैं दूंगा कुछ ओपिनियंस इस स्मार्टफोन पर। तो भाई देखते हैं कि ये स्मार्टफोन वर्थ ही है उस प्राइस पर या नहीं। तो भाई अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन तो भाई आपको मिल रहा है 5.3 इंच का क्वाड HD IPS डिस्प्ले मिल रहा है आपको गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ। और हम बात करें इसकी स्टोरेज तो भाई आपको मिल रहा है 4GB रैम 64GB की स्टोरेज जो है UFS 2.1 का स्टोरेज। और हम बात करें अगर ये एक हाइब्रिड स्लॉट होने वाला है और आप अगर चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं डुअल सिम या एक सिम एक मेमोरी कार्ड। और हम बात करें इसकी बैटरी तो भाई आपको मिल रहा है 3090 mAh की बैटरी। और अगर हम बात करें इसका प्रोसेसर तो भाई इसका आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 845। और हम बात करें GPU तो भाई इसका आपको मिल रहा है Adreno का 540 GPU और ये एक्चुअली USB Type-C है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें इसके और भी स्पेसिफिकेशन तो भाई इसका आपको मिल रहा है ये एक्चुअली क्वालकॉम का क्विक चार्ज 3 को सपोर्ट करता है और इसके अंदर आपको चार्जर भी वही मिल रहा है और ये एक्चुअली यूनिबॉडी मेटल है एल्यूमिनियम एज यूजुअल जो भी आजकल आ रहे हैं। और एक्चुअली इसका मेन हाइलाइटिंग पॉइंट होने वाला है इसका कैमरा जो कि है 3 कैमरा मिलने वाले हैं। मतलब आपको पीछे तरफ मिलने वाले ड्यूअल कैमरा और सामने तरफ आपको मिल रहा है सिंगल कैमरा। तो ये पीछे तरफ अगर हम बात करें तो भाई पीछे तरफ होने वाला है प्राइमरी कैमरा 13 MP और सेकेंडरी कैमरा भी होने वाला है 13 MP का। तो अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा तो भाई फ्रंट कैमरा भी होने वाला है 13। तो भाई 13 हुए यहाँ पर। और ये आने वाला है पीछे कैमरा Zeiss या Zeiss ऑप्टिक्स के साथ। और हम बात करें इसके कैमरे की तो भाई ये आने वाला है आपको f2.0 का अपर्चर के साथ। और नोकिया कहता है कि ये आने वाला है बहुत ही अच्छे लो लाइट फोटोग्राफी मिलने वाली है इसके अंदर। और भाई और हम बात करें इसकी पीछे कैमरा की तो भाई जो पीछे की तरफ डुअल कैमरा है तो भाई वो एक होने वाला है ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर और एक होने वाला है कलर्ड सेंसर। तो भाई डुअल कैमरा अच्छा लग रहा है क्योंकि Zeiss का ऑप्टिक्स है। और इसके अंदर आपको मिलने वाली है एक यूनिक फीचर जो कि है बूथी। तो भाई बूथी का दूसरा नाम भी है डुअल साइट। एक्चुअली ये बूथी पहले ही आ चुका था कुछ एप्लीकेशन में सपोर्ट कर रहा था। सैमसंग में भी आ गया था एक एप्लीकेशन को यूज करते तो भाई अब नोकिया ने लाया है डायरेक्टली इसे यूज करने के। तो भाई बूथी का मतलब आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दो एक ही साथ आप कैप्चर कर सकते हैं। तो भाई आपको मिलेंगे दो अलग अलग फोटोज एक ही फोटो में। तो भाई आपको पीछे भी दिखेगा सामने भी दिखेगा दो मिलकर एक ही फोटो आएगा। तो भाई ये बूथी का बहुत ही अच्छा बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो नोकिया ने लाई है। तो भाई और बात करें इसकी और भी स्पेसिफिकेशन तो भाई ये अब आप यूज कर सकते हैं बूथी लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं इंटरनेट फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पर भी इस बूथी के हेल्प से। और आपको इसके अंदर सभी सेंसर मिलते हैं फ्रंट। और हम बात करें सामने की तो सामने आपको मिल रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर और दो कैपेसिटी इसकी इसके साथ जो कि बैकलाइट की है। और हम बात करें इसकी प्रोडक्शन तो भाई ये एक IP54 सर्टिफाइड है। IP54 यानी आप उसके पर बारिश के या पानी के कुछ छींटे पड़ जाए फिर कुछ नहीं होगा स्मार्टफोन के ऊपर। अगर आप पूरा डुबा दे तो भाई स्मार्टफोन खराब होने वाला है। और हम बात करें ये एक्चुअली ओजो ऑडियो को सपोर्ट करता है। ओजो ऑडियो यानी 360 डिग्री आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। दो स्पीकर और तीन स्पीकर मिलकर आपको सराउंड व्यू यानी 360 डिग्री ऑडियो देने वाला है। तो भाई ऑडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और हम बात करें इसके और भी स्पीकर तो भाई इसके अंदर ये एक्चुअली मिलेगी आपको मिरर फिनिश के साथ यानी ग्लॉसी है। और इसके अंदर शायद एक अंदर ट्यूब भी लगी है जो कि कूलिंग का काम भी करती है तो शायद हीटिंग इश्यूज भी नहीं होंगे। और हम बात करें और ऑफर्स की तो भाई ये एक्चुअली ऑफर्स में मिलेगा यानी पता नहीं बट ये आपको अमेजोन पे मिल सकता है 14 अक्टूबर। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये लॉन्च हुआ है 36,990 rupees में। तो भाई प्राइस भी बढ़िया है। तो भाई ये थे इसके स्पेसिफिकेशन तो अब मैं दूंगा इसके। और एक बात ये एक्चुअली आ रहा है एंड्रॉइड 7 और नोकिया कहता है कि बहुत ही जल्दी इसको मिलेगा एंड्रॉइड 8 ओरियो का अपडेट। तो भाई ये थे इसकी स्पेसिफिकेशन। अगर आप पूछे मेरी ओपिनियन तो भाई बहुत ही अच्छा प्राइस टैग है क्योंकि ये प्राइस टैग हमने सोचा था कहीं 45,000 पर लॉन्च कर दे बट 45,000 नहीं है उसका 37,000 में लॉन्च किया। और शायद ये बहुत ही बढ़िया टक्कर देने वाला है 1+5 जो कि माना जाता है फ्लैगशिप किलर। तो भाई
वन प्लस फाइव को बच के रहना पड़ेगा और देखते हैं कि ये फोन वन प्लस फाइव से कैसा होता है। तो एक्चुअली स्पेसिफिकेशन भी बहुत बढ़िया है, बस स्टोरेज कम है, 4 GB रैम है, बट आपको फ्यूचर में भी और एक वेरिएंट मिलने वाला है 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज का। तो भाई बहुत ही बढ़िया फोन तो बहुत बढ़िया है और उसका कैमरा भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो भाई ये नोकिया की ब्रांडिंग है और आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो भाई ये एक्चुअली अच्छा प्राइस का लॉन्च हुआ, 37,000 है, कोई बुरा नहीं है। बट ये शायद हम और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शायद और अगर आ जाए 32-30 के आसपास तो शायद ये हो सकता था द बेस्ट स्मार्टफोन। हालांकि द बेस्ट स्मार्टफोन नहीं होता, उसके अंदर कुछ कॉन्स होते हैं, पर द बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन कहलाता था। तो भाई अभी भी नोकिया ने एक अच्छा काम किया नोकिया एट के साथ। तो भाई देखते हैं कि फ्यूचर में ऐसे ही काम करेगा तो भाई हमको मिल जाएगा पुराना वाला नोकिया जो कि सबको पसंद है और सबके पास भी नोकिया होता था। तो भाई ये था इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय, जय हिंद। And no.